नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव की ओर से मैंने हमिश्रा भंडारा से निषाद लांजेवार की खास खबर पर एक नजर। भंडारा जिले में तहसील लाखांदूर में विरली बुजुर्ग में हुई चाय की चौपाल में देश की राजनीति पर सबसे बड़ी चर्चा निषाद लांजेवार के साथ पूछे गए सवाल जानी गई आम आदमी के मन की बात। क्या जरूरी था नोटबंदी करना? क्या मिला 2 करोड़ युवाओं को रोजगार? 4.5 साल में देश ने क्या खोया और क्या पाया? किसानों को दी जा रही 6000 रुपयों की मदद कोई जुमला तो नहीं? चाय के चौपाल में सवाल भी पूछे गए और जवाब भी जिम्मेदारी के साथ लिए गए। देखते हैं एक झलक हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार की चाय की चौपाल भंडारा जिले के विरली बुजुर्ग से। देश की राजनीति को जानने के लिए हम लेकर आए हैं एमएनएस न्यूज चैनल की ओर से चाय की चौपाल भंडारा जिले के विरली बुजुर्ग ग्राम में। यहाँ पर हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में इस 4.5 साल के अंदर देश ने क्या प्रगति की, देश ने क्या विकास किया, देश के अंदर देश ने क्या खोया और देश ने क्या पाया। क्या वाकई में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला? क्या देश ने तरक्की की? क्या नोटबंदी लगाने से देश में तरक्की आई, देश विकास की ओर चला गया? क्या समस्या है कि जो देश विकास की ओर नहीं जा रहा है? हम ग्रामीण स्तर पर आकर यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के आम मतदाताओं की मन की बात हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देश की सबसे बड़ी न्यूज़ चैनल एमएनएस न्यूज़ चैनल लाइव हिंदी पर आइए हमारे साथ में आज इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए यहाँ के कुछ प्रमुख पदाधिकारी हमारे साथ में शामिल हुई हैं। मैं बारी बारी एक एक परिचय करवा के देता हूँ कि मेरे बगल में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक संजय जी कोरे हमारे साथ में यहाँ पर शामिल। साथ में हमारे यहाँ विरली बुजुर्ग के उप सरपंच मिलिंद जी शिवागढ़े हमारे साथ में इस चर्चा में शामिल हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे उद्धव जी कोरे हमारे साथ में शामिल हुई है और दिल्ली के हुनर सरपंच हमारे भंडारकर जी उमेश भंडारकर जी शामिल हुई है। आइए हम इनसे वाकई में इस देश के अंदर विकास की गति किस तरह से है और वाकई में देश तरक्की की ओर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे एमएनएस न्यूज़ चैनल में। और गोरे साहब, मुझे बताइए कि पिछले 4.5 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर नोटाबंदी लागू कर दी। मुझे बताइए कि इस नोटाबंदी से क्या देश के अंदर नोटाबंदी लगाना जरूरी था? देश के अंदर नोटाबंदी करना जरूरी तो नहीं था, लेकिन जो विकास से जो नोटाबंदी सरकार करना चाहती थी कि ब्लैक मनी जो काला धन भारत में जो है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा और इससे ये जो काला धन आएगा उसके कारण अपने देश के अंदर जो तो विकास का जो बेनिफिकेशन है वो पैसा वो विकास में लगाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा।
लेकिन एक्चुअली जो देखा जाए तो नोटबंदी में जो पैसा काला धन के रूप में जमा होना चाहिए था वो एक्चुअली काला धन जमा हुआ नहीं। जैसे कि जैसे पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट के बैंक में पूरा के पूरा कोई भी अयोध्या मार्ग से जमा हुआ है, इसके कारण इस नोटबंदी ये जो नोटबंदी का निर्णय लिया ये नोटबंदी का निर्णय बीजेपी सरकार का फंसा है। इसके कारण बहुत आंशिक छोटे लघु तो ग्रामीण भाग का जो व्यापार क्षेत्र है इसके ऊपर बहुत बड़ा असर है, छोटे व्यापारियों के ऊपर और लघु उद्योग जो है उसके ऊपर असर पड़ा, ये कहना हमारे सरपंच संजीत जी कोरे इनका है। आइए हम सरपंच भंडारकर जी से पूछना चाहेंगे कि सरपंच जी बताइए कि देश के अंदर नोटाबंदी करना क्या ये जरूरी था? नोटाबंदी करना जो देश के प्रधानमंत्री ने किया है इसके पहले भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इस किताब में लिखा था कि देश के अंदर 10 बरस के बाद हर 10 बरस के बाद नोटाबंदी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से नोटाबंदी की गई इस देश में जिसका मतलब जिसका उद्देश्य जो था प्रधानमंत्री का कि देश का जो काला धन बाहर आएगा 50-50% उसका फायदा भी हुआ है 50% और 50% लॉस भी हुआ है। नोटाबंदी के कारण आतंकवादियों के पास जो हमारा पैसा जाता था वो पैसा वहीं का वहीं रुक गया और आतंकवादी कोलैप्स हो गए, ये उसका फायदा भी हुआ। लेकिन जिस तरह से संजीव गोरे जी ने बताया कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके ऊपर उसका असर पड़ा और ये मैं सराहना करूँगा प्रधानमंत्री का कि ऐसा निर्णय उन्होंने किया और प्रॉब्लम ऑफ रूटीन में जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था उसके तरफ अमल करने की कोशिश की, मगर 50-50% उसका फायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ। सरपंच भंडारकर जी ने बताया कि यहाँ 50-50% लॉस भी और प्रॉफिट भी हुआ है। आइए हम अगली कड़ी में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता उद्योग कोरे जी से हम बात करना चाहेंगे। कोरे जी मुझे बताइए कि देश में नोटाबंदी का कानून लाना ये वाकई में जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था, जो स्थिति थी देश की स्थिति में नोटाबंदी करना जरूरी था और जो जरूरी थी अर्थव्यवस्था के लिए वो प्रधानमंत्री ने की, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। और वो जो नोटाबंदी का लाभ है जो बोल रहे हैं कि लाभ नहीं मिला, लाभ मिला है। जो काला धन रुपयों के इसमें पड़ा था वो अर्थव्यवस्था में आया और चलन में आने की वजह से रोजगार बढ़ाने में लोन वितरित करने में उसका लाभ हुआ। लेकिन बताएं मतलब देखा गया है कि बैंकों के पास भी जो पैसा जमा हुआ अब बोला गया कि काला धन बहुत मात्रा में है, नोटाबंदी करने से काला धन आ जाएगा, लेकिन जो लोगों के पास जो पैसा था वो पैसा जितना जमा था मतलब जितना मार्केट में था उतना पैसा वापस आ गया, उससे ज़्यादा पैसा तो कुछ आया नहीं। तो क्या नोटाबंदी ये सफल प्रोग्राम हो गए? बिल्कुल नोटाबंदी सफल प्रोग्राम हो गया क्योंकि जितना नोट पड़े थे वो सब पूरा करीबन 98% सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वो अर्थव्यवस्था में आए, बैंकों में जमा हुआ। जो लोग चाहते थे कि वो पैसा सड़ा रहेगा पड़ा रहेगा और अर्थव्यवस्था में नहीं आएगा ऐसी बात नहीं, पूरा पैसा 98% भले जमा हुआ, पैसा 98% जमा हुआ लेकिन काला धन कहाँ पर है? हमने जो सोचा था कि काला धन बहुत मात्रा में आएगा तो वाइट धन हो गया बैंक पे, तो लोगों के पास में पैसा था वो पैसा बैंक में आ गया। आज किसान लोग के पास में लेडीज लोगों ने जो पैसा जमा करके रखा था रातों रात मतलब नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया और ऐलान करते बराबर रातों रात लोग लाइन में लगे, दिन रात लोग लाइन में लगे, कई लोगों की जान चली गई अपना पैसा वाइट करने के लिए, अपना पैसा जो 2000 किलो 1000 किलो का जो वाली थी वो पैसा बैंकों में जाना चाहिए अपने खातों में जाना चाहिए, इसलिए लाइन की लाइन लगी बैंकों के सामने। उम्मीद थी कि बड़े लोगों के पास का पैसा बैंकों में जमा हो जाएगा लेकिन वो पैसा 98% पैसा केवल बैंक मतलब रिजर्व बैंक के पास में जमा हुआ, तो इससे हम नोटाबंदी सक्सेस हो गई ये कैसे कर सकते? बिल्कुल सक्सेस हो गई क्योंकि पैसा जमा हुआ, लोगों ने हड़बड़ी में क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान भी गई, लेकिन जो बोल रहे हैं कि पैसा आया नहीं, जो पैसा पड़ा था वो अर्थव्यवस्था में आया और अर्थव्यवस्था में आने की वजह से अर्थव्यवस्था का बेस बढ़ा। कोरे जी का कहना है कि जो पैसा आया हुआ है वो पैसा अर्थव्यवस्था में आने की वजह से निश्चित रूप से देश की तरक्की के लिए काम आ चुका है। हम अगले हमारे मेहमान जो है मिलिंद जी शिवकर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि शिवकर जी मुझे बताइए कि देश के अंदर नोटाबंदी जो लागू किया गया था वाकई में जरूरी था? नहीं, जरूरी था लेकिन जिस उद्देश्य से
नरेंद्र मोदी जी ने ये नोटाबंदी की, उनका उद्देश्य था कि काला धन जमा हो जाए, लेकिन उनका उद्देश्य पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। इसमें संजू बाबू ने बताया कि जो छोटे व्यापारी हैं इनका बिजनेस तो पूरा चौपट हो गया, ये पूरे मर गए, और जो बड़े बड़े कंपनी वाले थे वो सफल रह गए इसमें। तो मुझे नहीं लगता ये उनका जो उद्देश्य था वो पूरी तरह से सफल है। उपसरपंच शिवगढ़ जी का कहना है कि ये उद्देश्य बिल्कुल सफल नहीं हुआ है। पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो अभी सत्ता में है, सत्ता पक्ष ने अपने चुनावी मुद्दे में ये रखा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन इस 4.5 साल के अंदर आज बेरोजगारी का स्तर जो है ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुका है। करीब करीब 46% आज बेरोजगारी का एक फिगर सामने आ चुका है। तो जो वादा किया गया था सरकार की ओर से कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हम यहाँ दिला पाएंगे, क्या वाकई में 2 करोड़ युवा को क्या हर साल रोजगार उपलब्ध हो चुका है? पहली बात ऐसी है कि रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार का मतलब नौकरी ये भी नहीं होता। और ग्रामीण स्तर पर, निचले स्तर पर कि वो कौन सा भी काम हो, कौशल्य विकास करके जो भी आपको मिलता है, जो भी आप काम करते हो वो भी रोजगार होता है। हमने जो रोजगार की जो हमने व्याख्या बनाई है कि रोजगार का मतलब नौकरियां, तो नौकरियां नहीं है। ITR के लिए फॉर्म भरना है, ITR के लिए पोस्टिंग है, और अपन 10वीं 12वीं पास है तो ITR के लिए हम सिलेक्ट नहीं हो सकते। उसके लिए उस ITR का हमारे पास वो पूरी तरह से हमारे साथ वो उसका डिप्लोमा होना चाहिए, वहाँ पे हम प्रांत होना चाहिए। इसीलिए 2 करोड़ का जो वादा किया था गवर्नमेंट ने वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन कौशल्य विकास के माध्यम से अगर सभी बेरोजगार युवकों ने अगर कौशल्य विकास हासिल किया तो रोज़गार अपने आप मिल सकता है। लेकिन जो सरकार ने वादा किया था वो वादा पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है कि सरपंच साहब ने कहा है कि बिल्कुल वादा खिलाफ ही हुई है, वादा पूरा नहीं हुआ है। हम संजीव कोरे से पूछना चाहेंगे कि 2 करोड़ युवा को रोजगार देने की बात बीजेपी सरकार ने की थी, अभी चुनाव हो चुका है, अगले एक दो माह में चुनाव होने वाला है, बस इस चुनाव के दरमियान और बेरोजगार युवा को रोजगार देने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, शायद हो सकता है उनके मैनिफेस्टो में और ये मुद्दा रखा जाएगा। तो क्या लगता है कि पिछले 4.5 साल के अंदर जो युवा को रोजगार की स्थिति, बेरोजगारी जो फैली हुई है, क्या इससे बेरोजगारों के मन के ऊपर मानसिक परिणाम हो सकता है? देखिए, ये मोदी जी की सरकार 4.5 साल से यहाँ पे कार्यरत हमारा अपना भारत में है, और जो जो वादे उन्होंने किए थे, सभी वादे यानी जो उन्होंने अपने चुनाव एडमिशन में जो वादे किए थे लगभग सभी ना के बराबर उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। और देखा जाए तो ये सभी लोग कह रहे हैं, आज युवा जनरेशन कह रहा है कि जुमलों की सरकार है, जुमला फेंको और सरकार चलाओ, उस टाइप का ये सरकार है। और अभी भी जो वादा करेंगे वो वादा पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने 2 करोड़ की जो बोले थे कि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, जैसे भेंडरकर जी ने बोला है कि नौकरी वाले रोजगार नहीं है, ये भी बात सही है, लेकिन कृषि क्षेत्र अगर अपन देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में भी उन्होंने ऐसा कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया है कि चलो आजकल जो तरुण जो है, लिखा पढ़ा जो आदमी है कि चलो भाई हम नौकरी नहीं करेंगे, अपने खेती में कुछ काम करके अपने लिए रोजगार उपलब्ध करेंगे, ऐसी भी स्थिति आज कृषि की स्थिति भी नहीं है। इसके कारण ये जो वादा जो किया था और अगले भी जो वादा करने वाले हैं, ये जुमलों की सरकार है, उसके बाद ये जुमला करेंगे ऐसा मैं सोचता हूं। जुमलों की सरकार है, गुरु जी का कहना है कि जुमलों की सरकार है, केवल वादा करते वादा निभाते नहीं, उनका आरोप है। गुरु जी मुझे बताइए कि वाकई में बेरोजगार युवा पढ़ा है, क्योंकि आज बहुत ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसान अपने पसीना निकाल कर अपने बच्चों को पढ़ाता है, एजुकेशन देता है, और एजुकेशन देने के बाद में वो एजुकेटेड लड़का आज रोजगार हमी के काम पर अगर जाता है या किसानी के काम पर जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता के ऊपर इसका विपरीत परिणाम हो सकता है, ऐसा लगता है। क्या लगता है कि अगर वादा किया निभाए भी? आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है, जब कोई पढ़ा लिखा युवा रोजगार हमी पर काम पर जाता है उसकी मानसिकता पर दोनों परिणाम होता है, लेकिन
जो बेरोजगारी है वो छुपी बेरोजगारी एक बात ऐसी है, यहाँ पर काम के लिए लोग नहीं मिलते और दूसरी तरफ बेरोजगार ये भी बेरोजगारी मिटाने का असली फायदा अगर बोले तो पहले होना चाहिए ध्येय के साथ में स्किल बढ़ाना है और स्किल के साथ में क्रिएटिविटी। अभी अभी मैं एक पेपर अखबार में पढ़ रहा था हमारे भंडारे जिले के बाद, ये आई टी पढ़ा हुआ युवा इंजीनियर की नौकरी छोड़ के आया और वहाँ उसने दुग्ध व्यवसाय अपने जिले में सोचा था और दूसरे तरफ में वो गोपाल बिजनेस लगाने उन्होंने आज उसके बाद में पत्र की वह काम किया। ये तो बात सही है कि कुछ अपने मतलब योग्यता के आधार पर कुछ रोजगार तो पा रहे, लेकिन एक बड़ी संख्या है, क्योंकि क्या होता है कि बड़ा एजुकेशन हायर एजुकेशन लेने के बाद निश्चित रूप से लगता है कि सरकार की तरफ से अगर रोजगार की सुविधा अपने पास में उपलब्ध हो तो एक रोजगार मिल सकता है। क्योंकि मान लीजिएगा अभी बीच में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप रोजगार मतलब क्या पकौड़े बेच कर भी आप रोजगार मतलब पा सकते हो, तो एक इंजीनियर करने वाले या पॉली करने वाले लड़कों को हायर एजुकेशन लेने वाले लड़कों को यदि पकौड़े बेचने के लिए बोला गया तो क्या फिर एजुकेशन का मतलब क्या होता है, क्या बताना चाहिए आप? मुझे लगता है कि कोई भी सरकार रहे उनको ये नहीं लगता कि बेरोजगारी नष्ट होना चाहिए। अगर बेरोजगारी नष्ट हो जाएगी तो उनके आगे पीछे घूमने वाला रहेगा कौन यहाँ पर, तो उनको ये बेरोजगारी ज़रूरी है इसलिए वो ज़्यादा करके उनके तरफ ध्यान नहीं देते, सिर्फ ये करेंगे वो करेंगे बोलने में कुछ नहीं लगता, करने में बहुत कुछ लगता है। राजनीति रोटी सेकने के लिए केवल चाहे कोई भी पार्टी हो युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करके दे सकते आपका कहना। बिल्कुल बात सही है कि हर एक पार्टियाँ जो होती है कि केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सिर्फ वादे तो करती है लेकिन निभाती नहीं, ये आज के चर्चा में यहाँ पर सामने आ रहा है। मेहनत करना पड़ता 17 रुपये मामूली रकम नहीं होती, लेकिन एक देखा जाए कि ये सारे वादे होते चुनाव के चंद दिनों पहले क्यों होते हैं? सत्ता में आने के बाद में 4-5 साल हम अगर सरकार में है तो ये 4-5 साल के अंदर ये सारी योजना लागू क्यों नहीं करते ताकि उसका फायदा आम आदमी को पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि केवल और केवल चुनाव के दरमियान एक बड़ा वादा करना और बड़े वादों करके वोट हासिल करना ये सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टियों का मकसद होता है। अभी अभी देखा गया कि निश्चित रूप से कई आरोप हो रहे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रसाद माध्यम से कि केवल 2000 रुपये अभी चुनाव के पहले देना, मतलब 2000 को एक ग्रामीण इलाकों के एक किसानों का एक आम आदमी का वोट खरीदी करने का आरोप भी यहाँ पर लगाया जा रहा है, क्या आप इससे सहमत हो? देखो भाई, इस देश में राजकारण चलता रहेगा, लोकशाही आहे आणि लोकशाहीमध्ये ह्या सर्व गोष्टी चालत असतात। मला एक सांगा, उद्धवजी पोरेंनी सांगितलं की बा 70 वर्षाच्या राजकारणामध्ये हे पहिल्यांदा होत आहे। आणि दुसरी गोष्ट महत्त्वाची एक गोष्ट आहे, हिंदीमध्ये वो ऐसा आहे की हमारे देश के लोगों की हॅलो एक ऐसी आदत आहे वो भूल जाते हैं, अभी लेटेस्ट है वो याद में रहता। मोदी जी को गेम मालूम है, यही बात है मोदी जी को खास करके गेम मालूम है कि कौन से वक्त पर कब छक्का मारा, छक्का मारना, ये बात है ठीक है। और हम पूरे जी से कुछ पूछना चाहेंगे तो बोलना है ये सब बातें करती रहती है और उन्होंने जैसे बोला कि मोदी जी ग्रेट प्लेयर है, उनको पता है कि ऐसी बात इसी वक्त है और वो बोल रहे कि 4 साल में कुछ नहीं हुआ और 8 साल में नहीं भाई ने बोला ऐसा 4 साल से निरंतर काम और उसी महीने 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ ऐसा नहीं बोला। अच्छा, 4 साल में गुरु जी का कहना है कि बहुत सारा काम यहाँ पर हुआ है, क्या संजय गुरु जी आप इस बातों पर सहमत है कि 4 साल के अंदर विकास हुआ है? विकास तो एक परंपरा है, जब से देश स्वतंत्र हुआ है आज अलग अलग पार्टी की सरकार यहाँ पे बैठी है और विकास की धड़ी तो हमेशा चलती रहती है, रोड बनाना ये बनाना वो बनाना तो चलते रहता है, लेकिन हर साल जो 5 साल के बाद में जो चुनाव होता है और चुनाव में जो वादे करते हैं वादे के ऊपर जो लोग वोट करते हैं वो जिस पार्टी ने जिस तरफ से वादे किए, किसानों की तरफ से जो वादा किया था किसानों को हम हमी भाव में जेड़ पर उठा करेंगे ये करेंगे वो करेंगे,
वो कुछ ना करके ये खाली 2000 रुपए यानी वार्षिक जो ये क्षेत्र में विकास जो अपने इधर के लोगों की जो विकास की जो व्याख्या है वो व्याख्या ही गलत है। शाइनिंग इंडिया करने से कोई शाइनिंग नहीं हो जाएगा। नहीं, आपने जैसा बताया कि कारखाना तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने बनवाया था, चुनाव हार गए, कारखाना बंद कर दिए, तो उसी हिसाब से तो यहाँ अभी नाना पटोले जी पिछले 18-20 साल से यहाँ इस क्षेत्र का नेतृत्व करते थे, तो कहीं ना कहीं फिर विकास कहाँ गया? वही क्या उन्होंने भी नहीं किया? सही बात है, देखा जाए तो ये हमारे सांगली विधानसभा क्षेत्र में भी नाना पटोले भी ने राजकारण किया, सभी लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे नेता बने, लोगों ने अच्छे नेता चुन के दिए, लेकिन नेताओं का जो फर्ज था सांगली विधानसभा क्षेत्र वो उन्होंने नहीं निभाया, ऐसा मेरा कहना है। नेताओं ने अभी तक इस क्षेत्र का विकास नहीं किया, सरासर आरोप संजय जी को इनका है। और पूरे जी से उद्योग कुरे जी से हम जानना चाहेंगे कि वाकई में 4.5 साल के अंदर जो विकास के काम इस क्षेत्र के अंदर हुए या ठीक रहे, आप उससे संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं, लेकिन विकास की गति बढ़ी, काम रहे, जैसा कि अभी अपने भंडारा जरूर को जोड़ने वाला ईटान कोलाड़ी को बहुत बड़ी योजना है, शायद ग्रामीण महाराष्ट्र इतना बड़ा परिवार हुआ है और उनको, और जो ग्राउंड वो काम हुए नहीं, काम हुए लेकिन और आम जनता को शुरू में बोला था कि लोगों ने खाते खुलवाए, लोगों ने खाते नहीं खुलवाए, सरकार ने खाते खुलवाया, लोगों को 15 लाख देने के लिए नहीं थे, और 15 लाख का जिस अर्थ से आप ले रहे कि वो शब्दार्थ में मत लिए, वो लाक्षणिक अर्थ से कैसा अभी 15 लाख का जो जुमला हुआ ये तो अभी की बात नहीं है, जो सबसे सरकार सत्ता में आई हुई है और सरकार के प्रतिनिधि सत्ता में बैठे हुए नेता लोग ही बोल रहे हैं कि 15 लाख का जुमला था, हमने नहीं बोला, अभी जुमला हो गया, वो जुमले से हर वादा सरकार का जुमलेबाजी वाला लोग समझते हैं, ये 86,000 का भी लोग सरकार का जुमला ही समझ रहे हैं, अब कुछ लोगों को पैसा मिल रहा है उससे संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन आने वाले इलेक्शन के बाद में जो 2000 रुपये मिलने वाले वो 2000 यदि नहीं मिले तो शायद ये भी जुमला हो सकता है। विकास काम से आप संतुष्ट हो? ये विकास तो करते रहता है, लेकिन ये सरकार के जो जुमले हैं, एक तो क्या 2000 रुपये, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये पैसे देने का उद्देश्य जो है सरकार का, वो जो स्वामीनाथन आयोग जो है किसानों के लिए, उसके तरफ से इनका ध्यान हटाना है, बाकी सरकार का कोई उद्देश्य नहीं। और दूसरा मुद्रा लोन, बैंक में जाओ तो बैंक मैनेजर हमको घुमाते हैं कि अरे क्या ये तुम्हारे लिए है नहीं, ये कागजात लगते हैं, वो कागजात लगते हैं, और पेपरबाजी जो होती है उसमें कुछ नहीं लगता करके खाते पर जमा होने की बात सरकार ने की। कई लोगों ने मतलब सारे इंडिया के अंदर के सारे लोगों ने बैंकों में जाकर आप अपने खाते खोले, इंतजार कर रहे थे 15 लाख रुपये जमा हो जाएंगे, 15 लाख तो 4.5 साल हो गए, अभी चुनाव आ रहा है, 15 लाख रुपये खाते पर जमा नहीं हुए, लेकिन अभी सरकार ने 6,000 रुपये पर हेक्टेयर किसानों को देने का वादा किया, उसमें भी जो कर्ज मुक्ति के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन लगाए गए थे वही रूल एंड रेगुलेशन उसमें भी लगाए गए, मतलब सरकारी कर्मचारी को वो लाभ नहीं मिलेगा या महिला घोषित प्रजा समिति सदस्य के लोग लाभ नहीं मिलेगा, जिनको कर्ज मुक्ति में लाभ मिला था उन्हीं को भी 6,000 का लाभ मिलने वाला है। 6,000 मतलब पर डे अगर एक परिवार का विचार किया जाए तो 17 रुपया होता है, क्या 17 रुपया देकर किसानों को और जुमलेबाजी में फंसाना और वोट लेना ये साजिश तो नहीं है? पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी का फॉलो इस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं और कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं, और मैं अपेक्ष दोनों भी तो फिर कैसे ये भारतीय जनता पार्टी की बाजू अपने सामने रख रहे हैं, वो कांग्रेस की बाजू सामने रख रहे हैं, और हम है अपक्ष लोग। मेरा सवाल ये है कि तुम्हारा एक सवाल है तो मैं सच कहूँगा, आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि 15 लाख लोगों के खाते में जमा होंगे, ये झूठ बात है। झूठ कैसे? मध्य प्रदेश के इंदौर की सभा है वो, आज भी तुम इंटरनेट पे जाओ सर्च मारो, वहाँ पे प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला था, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, राजकारण में लोग झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का रहे, भाजपा का रहे, कांग्रेस का रहे, लेकिन जो बोला है वही बोलना चाहिए। वो इंदौर की सभा है मध्य प्रदेश की, मैं तब भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करता हूँ, मैं बोलता हूँ उस सभा में नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि बाहर के स्विट्जरलैंड में बैंकों में हमारे देश का इतना काला धन है, अगर उसको लेके आएंगे, अगर वो आ गया भारत में तो एक एक के खाते में 15-15 लाख जा सकते हैं, इतना पैसा
बाहर है, ये बोला था। 15 लाख डालूंगा ऐसा नहीं बोला था, ये झूठ। उसके बाद चुनाव में तो उसी का इस्तेमाल किया गया। नहीं नहीं, चुनाव में उसी वो कैसा है, राजकारण में चलता रहता है। कांग्रेस वाले बीजेपी वाले पे आरोप करेंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस पे आरोप करेंगे, लेकिन आप अभी भी सर्च मार के देखो, वो भाषण सुनो, ठीक है, 15 लाख तो देने, भाषण पूरा सुनो, 15 लाख तो देने पाई, क्योंकि बाद में जुमला है करके बोल दिया, जुमला सब नहीं, 15 लाख दिए, जुमला सब जो आया, हमें सामने जब बोला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बात कर रहे हो, झूठ बात है ये, उसी माध्यम से तो आया था कि ये जुमला था, हमने ऐसा नहीं बोला, ये देखेंगे बीजेपी वाले क्या बोलेंगे और कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो कैसा है, राजकारण में चलता रहता है। कांग्रेस वाले बीजेपी वाले पे आरोप करेंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस पे आरोप करेंगे, लेकिन आप अभी भी सर्च मार के देखो, वो भाषण सुनो, ठीक है, 15 लाख तो देने, भाषण पूरा सुनो, 15 लाख तो देने पाई, क्योंकि बाद में जुमला है करके बोल दिया, जुमला सब नहीं, 15 लाख दिए, जुमला सब जो आया, हमें सामने जब बोला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बात कर रहे हो, झूठ बात है ये, उसी माध्यम से तो आया था कि ये जुमला था, हमने ऐसा नहीं बोला, ये देखेंगे बीजेपी वाले क्या बोलेंगे और कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे। हमें तो उनको उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है। 6,000 रुपए देने का वादा किया, 6,000 रुपए किसानों को देने का वादा किया सरकार ने, ठीक है, ये 6,000 रुपए मतलब एक परिवार को देखा जाए तो 17 रुपए पर डे होता है, बराबर, ये 6,000 रुपए वो भी 3 किस्तों में दे रहे हो, पहले 2 किस्तों का काम चालू हुए, तीसरा किस्त फिर से बाद में होगा, चुनाव तो तीसरा किस्त मिलेगा, शायद वो भी नहीं मिल पाएगा, क्या 6,000 रुपए का एक मुआवजा देना क्या ये सही लगता है? देखो, 6,000 ये सम्मान योजना है, किसान सम्मान योजना है, अभी शुरुआत हुई है, 6,000 हुआ, आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन चुनाव एक महीना के पहले क्यों डिक्लेयर हुआ? अभी 4.5 साल के अंदर इस देश में लोकशाही है, जिसकी पार्टी रहती है अर्थ बजट लगाता है, अर्थ बजट में उन्होंने किया है तो सम्मान करना चाहिए। अभी चुनाव देखे क्यों? अभी चुनाव देख के ही करते हैं, देखो चुनाव देख के ही करते हैं, अभी मेरा भी चुनाव आएगा तो मैं एक महीने के पहले अपना काम चालू करूंगा, मतलब ये भी चुनावी जुमला हो सकता है, कोई भी हो, मुझे बता दीजिए, ये 17 रुपया पर डे एक किसानों को देना, ये किसानों की टिंगल उड़ा देनी है, 17 रुपये में एक खाली खाना भी नहीं मिलता, दो लोगों को अगर चाय की दुकान पर ले गई तो चाय भी नहीं होती 17 रुपये में, ऐसी स्थिति में अगर सरकार 17 रुपये पर डे 6,000 रुपये महीना मतलब पूरे साल भर में एक हेक्टर के लिए, तो ये क्या बोल मतलब क्या लगता है इसमें? 17 रुपये प्रतिदिन देना सम्मानजनक नहीं है, फिर भी 70 साल के स्वतंत्र भारत की इतिहास किसी सरकार ने उस दिशा में एक पॉइंट किया, और माननीय सरपंच महोदय से मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप जबरदस्ती क्यों किसी को पार्टी चूज कर रहे हैं? आप भाजपा के कार्यकर्ता थे, लेकिन अंदर से भाजपा निकली नहीं आपके ऐसे, ये तो अभी ये भी बता दूंगा मैं आपको कि आप भाजप को फॉलो करते हैं, कांग्रेस को फॉलो करते हैं, तो फिर आप आपस में आके चुनाव कैसे लड़े? हम लोग किसी पार्टी को मतलब टारगेट नहीं बनाना है, तो किसी मतलब आम आदमी की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वाकई में 17 रुपया एक पर डे के हिसाब से 17 रुपया केवल देना, ये एक जगह जाकर ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के चीजें उड़ाने वाले जैसे बात समझ जाए, लेकिन हम अपने समझ जाए कि 17 रुपये भी कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, 17 रुपये इलेक्शन के बाद में जो 2,000 रुपये मिलने वाले वो 2,000 यदि नहीं मिले तो शायद ये भी जुमला हो सकता है। विकास का सब संतुष्ट हो, ये विकास तो करते रहता है, लेकिन ये सरकार के जो जुमले हैं, एक तो क्या 2,000 रुपये उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये पैसे देने का उद्देश्य जो है सरकार का, वो जो स्वामीनाथन आयोग जो है किसानों के लिए, उसके तरफ से इनका ध्यान हटाना है, बाकी सरकार का कोई उद्देश्य नहीं। और दूसरा मुद्रा लोन, बैंक में जाओ तो बैंक मैनेजर हमको घुमाते हैं कि अरे क्या ये तुम्हारे लिए है नहीं, ये कागजात लगते हैं, वो कागजात लगते हैं, और पेपरबाजी जो होती है उसमें कुछ नहीं लगता करके लिख देते हैं, सिर्फ आधार कार्ड मंगाओ बस, ये गरीबों के लिए कोई योजना है नहीं, गरीबों के लिए योजना नहीं है, मुद्रा लोन से या स्वामीनाथन आयोग की तरफ से लोगों के ध्यान हटाने के लिए, लोगों की नज़र हटाने के लिए ये केवल 2,000 रुपये का एक लॉलीपॉप देने का मतलब काम सरकार ने किया, ऐसा भी आरोप एक उप सरपंच मिलिंद्र रामटे का अपना शिवागढ़ जी ने किया है। दोस्तों निश्चित रूप से सरकार के काम एक गति होती है, एक नियोजन होता है, उसके हिसाब से विकास के काम चलते रहते हैं, और निश्चित रूप से देश के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर कुछ लोगों का, कुछ नेताओं का कहना है कि काम हुआ है, विकास हुआ है, कुछ लोगों का कहना
विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर केवल आम आदमी के साथ में धोखाधड़ी की जा रही है। ये वाकई में कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोग जो युवा को रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। सड़कें बनती जा रही है लेकिन सड़कों बनने के बाद में उसकी देखभाल नहीं होती जा रही है। इमारतें बनती जा रही है उसकी देखभाल नहीं होती जा रही है। एक आम आदमी को एक रोजगार की जो तलाश थी रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये सारे मुद्दे आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पिछले 70 साल से जस के तस है। लोग देख रहे हैं, लोगों को चाहिए विकास, लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए उन्होंने जो अपने खेत में जो फसल लगाई उस फसल का उचित दाम उसको मिले। ये सरासर मांग, छोटी सी मांग किसानों की है और किसान भी वो मांग को लेकर तरस रहे हैं। लेकिन सरकार है माए बाप, सरकार कब उनको उनके मूल्य उचित मूल्य देती है आने वाले समय में ये दिख जाएगा। मैं निशांत लांजेवार आज की चाय की चौपाल पर यही सबको धन्यवाद देकर यही चाय के चौपाल में अपनी बात समाप्त कर। देश की राजनीति पर होगी मेरी पहली नजर, देखिए मेरे साथ चाय की चौपाल। देश ने क्या खोया और क्या पाया, बेरोजगारी की ओर बढ़ता हुआ युवा, देश विकास से 200। चाय की चौपाल में जानेंगे क्या है मतदाताओं का रिझान। मैं आ रहा हूँ आपके अपने MNS न्यूज चैनल पर, देखिए मेरे साथ चाय की चौपाल। मैं शरद लांजेवार लेकर आ रहा हूँ आपका अपना प्रोग्राम चाय की चौपाल। आपकी अपनी मन की बात होगी मेरे साथ आपकी चाय की चौपाल।